Hi guys, welcome back. भाई कल की is on a rampage mode in the overseas advance booking numbers and साथ साथ में वो numbers तो मैं आपको बताऊंगी कि update होके क्या आए हैं, साथ साथ में हम बात करेंगे अब इंडिया में prediction हम कितना लगा के चल सकते हैं, overall prediction day one का कितना रह सकता है कल की का, फटाफट आपसे बताने वाली हूँ मैं यहाँ पर. लेकिन बात सबसे पहले होगी अबाउट बॉक्स ऑफिस मॉन्स्टर प्रभास के बारे में. भाई प्रभास के इतने haters क्यों हैं? ये तो मेरे पास जवाब है नहीं. अब कभी कभी अगर सोचो तो ये लगता है हो सकता है क्योंकि जितने बड़े नाम होते हैं उतने ही ज्यादा उनके हेटर्स होते हैं, और यही एक रीजन मेरे को समझ में आता है. और इसके अलावा और कोई रीजन मुझे समझ ही नहीं आता, बिकॉज ही इज समबडी हु इज सो लव्ड, ही इज अ हम्बल पर्सन. एंड स्टिल मैंने देखा है कि यूट्यूब पर और कई जगहों पर नेगेटिविटी ना भर भर के चल रही है, भर भर के चल रही है कल की के खिलाफ, कि ये तो फिल्म भैया नॉर्थ में कुछ करने नहीं वाली, इसका नॉर्थ में कुछ शोर ही नहीं है. वेल ये बात से मैं बिल्कुल इनकार नहीं करूंगी कि नॉर्थ में प्रमोशन नहीं हो रहा है फिल्म का, बिल्कुल नहीं हो रहा है फिल्म का. लेकिन साथ में मैं ये बात भी कहूंगी कि इस फिल्म की कलेक्शन को कोई आँच भी नहीं आने वाली है, इसकी कलेक्शन फोड़ेगी ऐसा. आप देखो ये होता है स्टारडम कि जहां पर आपको ये दिख रहा है कि फिल्म का प्रमोशन ज्यादा नहीं हुआ है, लेकिन स्टार के दम पर इतनी बड़ी कलेक्शन जो है वो गारंटीड है कि 600 करोड़ का बजट इजीली रिकवर होता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है. अब बात करते हैं प्री सेल्स की, क्या प्री सेल्स चल रही है. एक बार कंपैरेटिव बता देती हूँ यूके का क्या हुआ था, फाइनल नंबर ऑफ प्री सेल्स सलार का कितना था. सलार का फाइनल यूके नंबर था 24.5K, ठीक है. RRR का था 18.5K, लेकिन कल्कि का विदिन 48 आवर्स हो चुका है 19K. भाई इसको बोलते हैं रैम्पेज मोड, इसीलिए बोल रही हूँ रैम्पेज मोड पे चल रही है. मतलब हिस्ट्री पे हिस्ट्री क्रिएट हो रही है, हिस्ट्री पे हिस्ट्री क्रिएट हो रही है. एक और चीज जो मैं आपसे बात करती हूँ हमेशा ही, दैट इज अबाउट द यूएसए एडवांस बुकिंग. यूएसए में क्या कुछ हो रहा है, देखो यूएसए भी एक ऐसा रीजन है, ऐसी लोकेशन है जहां से फोड़ती है, मतलब प्रभास की फिल्में फोड़ती हैं, लिटरली फोड़ती हैं. अभी से कुछ देर पहले अगर मैं आपको वो रिपोर्ट बताऊं जो हमेशा मैं आपसे शेयर करती हूँ, मैंने कल का जो नंबर आपको बताया था ना उसमें ऑलरेडी यूएसए और नॉर्थ अमेरिका का मिलाकर अगर हम बात करें तो उसमें ऑलरेडी एक बड़े बेंचमार्क तक क्रॉस कर गई थी. अब यहाँ पे सुनो, कल की यूएसए प्रीमियर एडवांस सेल्स जो है ये $1 million को ऑफिशियली क्रॉस कर चुकी है अकेले यूएसए से. 559 लोकेशंस, 2057 शोज एंड 34,000 टिकट्स सोल्ड आउट हो चुकी हैं. यूके की बात करूं अगर तो 9,453 टिकट्स सोल्ड, 193 लोकेशंस एंड 267 शोज इसके चल रहे हैं. अभी 13 डेज टू प्रीमियर है और टॉप 5 थिएटर्स जहां पर टिकट सोल्ड है वो है CW Ilford, CW Hounslow, CW Greenwich, ये मैं यूके का बता रही हूँ, CW Luton एंड Odeon Leicester. ये सब के सब लोकेशंस जो हैं ऑलरेडी मैं आपको ये बता चुकी हूँ, यहाँ पर मैडनेस ही मैडनेस चल रही है यूके यूएसए. मैं वेट कर रही हूँ अब गल्फ कंट्रीज का नंबर्स का, मैं वेट कर रही हूँ अब और ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, ऑल अदर कंट्रीज दैट आर पॉपुलर फॉर हिंदी मूवीज, आई मीन इंडियन मूवीज. तो देखना ये होगा कि यहाँ पर क्या होता है. लेकिन जरा एक बार अगर हम ये सोचें बैठकर कि भाई प्रिडिक्शंस की अगर हम बात करते हैं या हम बात करते हैं कि फिल्म जो है वो कितना नंबर कर सकती है इंडिया में. देखो एपी तेलंगाना का अगर मैं आपको बताऊं ना, एपी तेलंगाना में ये मान करके चलो कि अगर सलार ने 66 करोड़ के आसपास का बिजनेस किया था, तो हम अगर ग्रॉस प्रिडिक्शन की बात करें तो ये फिल्म भी मतलब जितना साउथ में इसका मैडनेस है, नॉर्थ में मैडनेस नहीं है, लेकिन मतलब इन्फॉर्मेशन या प्रमोशन नहीं है, लेकिन फिर भी एपी तेलंगाना से ये प्रिडिक्टेड है कि 75 करोड़ तो इजीली आता हुआ लग रहा है ग्रॉस में. अब तमिल प्लस मलयालम प्लस कन्नडा की अगर हम बात करें, एपी तेलंगाना की बात हो रही थी केवल, ठीक है, तमिल मलयालम कन्नडा मिला करके 20 करोड़ के आसपास का नंबर जो है वो प्रिडिक्ट हो रहा है. हिंदी में अभी थोड़ा कम है, हिंदी में मैंने जो प्रिडिक्शन करी थी वो 25 के आसपास थी, लेकिन 20 करोड़ के आसपास का प्रिडिक्शन आ रहा है. और ओवरसीज मतलब अगर हम ब्रैकेट वाइज देखें तो एपी तेलंगाना के बाद ओवरसीज है सबसे बड़ा चंक, विच इज 55 करोड़ का यहाँ से प्रिडिक्शन आ रहा है, और हम प्लस माइनस मान के चल सकते हैं थोड़ा बहुत. तो इन शॉर्ट 165 to 175 करोड़ डे वन ग्रॉस कलेक्शन ऑफ कल्कि. अभी तक तो सेकंड ट्रेलर नहीं आया, अभी तक तो प्रिल्यूड बाकी है, अभी तक तो सॉन्ग्स बाकी है. यार सॉन्ग्स पे क्या हो रहा है यार, सॉन्ग्स का मैं अभी भी सुन रही हूँ कि सॉन्ग्स तो अभी कोई एक प्रमोशनल सॉन्ग है उसके ऊपर काम चल रहा है. मुझे लगता है कल्कि के गाने ही ज्यादा है नहीं इस फिल्म में, मे भी नहीं होंगे, साईफाई प्रोजेक्ट है, साईफाई फिल्म है, तो उसमें ज्यादा कुछ म्यूजिक इज नॉट समथिंग दैट वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू. हमें कहानी ज्यादा देखनी थी, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो अभी आएगा उस पर इन्फॉर्मेशन, अभी तक तो आया नहीं है. वीकेंड तक हम मान सकते हैं कि कुछ कल्कि के और कॉन्टेंट्स रिलीज हो. यार इंटरव्यूज करो ना यार नॉर्थ में, यार टीम क्या कर रही है, वैजंती मूवीज इस चीज में लैग कर रही है. और मैं इस बात को कभी भी बोलने से डरती नहीं हूँ क्योंकि प्रभास फैन हूँ, इसीलिए बोल रही हूँ. यार फैंडम को ना बढ़ाना होता है, किसी स्टार का अगर बहुत मेगा स्टारडम है उसको और बढ़ाना होता है, ये नहीं कि उस पर सवार हो जाओ और उसको पूरा का पूरा कंज्यूम कर लो उस स्टारडम को और ज्यादा. मतलब व्हाई इज देयर नो एंगेजमेंट, जस्ट इमेजिन एक इंटरव्यू विद एनी ऑफ द बिग यूट्यूबर्स अगर आ जाए कल्कि का, नाग अश्विन का ही मान के चलते हैं, हम लोग प्रभास की बात नहीं करते, चलो यहाँ पे नाग अश्विन का ही मान के चलते हैं. एक इंटरव्यू अगर आ जाए ना, मान लो बियर बाइसेप्स के साथ आ गया,
या किसी और के साथ ऐसे बड़े यूट्यूबर के साथ आ गया तो यार मजे आ जाएंगे. नॉर्थ में तो मतलब ऐसे 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 लोग ऐसे समझ जाएंगे, जान जाएंगे फिल्म के बारे में. प्रभास का इंटरव्यू आ जाए. नो इंटरव्यूज आर हैपनिंग एनीवेयर. आई डोंट सी एनीथिंग हैपनिंग. आई डोंट सी एनी इवेंट्स हैपनिंग. मुझे कुछ समझ सुनाई नहीं दे रहा कि कहीं दिल्ली एनसीआर में कोई इवेंट हो रहा है जिसमें टीम जा रही है, बातचीत कर रही है, काशी में कुछ कर रहे हैं, वो सब भी नहीं हो रहा है. तो भाई सिर्फ ओवरसीज और एपी तेलंगाना पर निर्भर करो, अच्छी बात है, लेकिन ये तो नंबर सलार वाला के आसपास ही है. सलार से ऊपर जाना है और उससे भी और ऊपर के आयाम छूने हैं. इतनी बड़ी फिल्म है, उससे ज़्यादा बजट की फिल्म है भाई, उससे ज़्यादा बड़ी प्रमोशन होनी चाहिए. तो यहाँ पर हिंदी बेल्ट में प्रमोशन बहुत ज़रूरी है. इसको करना चाहिए. अब सिर्फ और सिर्फ डिजिटल कंटेंट पर निर्भर मत करो, इज व्हाट आई वुड लाइक टू से. आपको क्या कहना है बाकी इस सब पे, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. बाकी लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, व्हिच इज फर्स्ट ऑफ ऑल. थैंक्स.